Hello students, welcome to online class. Today will be 8th chapter start in GK. Okay, आज हम क्या पढ़ेंगे? GK का chapter 8. Chapter का नाम क्या है आपके? Beautiful flowers. मतलब कि सुंदर फूल, ठीक है? आज हम फूलों के बारे में पढ़ेंगे, flowers के बारे में. Okay, देखिए जैसे कि अब हम पढ़ने start करते हैं. First है हमारा Fill in the missing letters to complete the name of the flowers. हमें क्या किया, नीचे बॉक्स दिए गए हैं, इनमें कुछ लेटर्स लिखे हैं और कुछ नहीं लिखे हुए हैं. तो जो मिस है इसमें, जो नहीं लिखे हुए वो हमें क्या करना है, इसके अंदर फिल करना है. ओके, डायग्राम पहचानेंगे और फिर हम इसके अंदर लेटर फिल करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे पूरा. ओके, तो बताइए फर्स्ट में देखिए क्या है हमारा, किस चीज़ का डायग्राम है? लोटस, ठीक है? तो देखिए लोटस की स्पेलिंग में एल लिखा हुआ है, हमें क्या लिखना है? ओ टी लिखा है, यू एस, लोटस. ओके, तो फर्स्ट में सभी फिल करेंगे लोटस. नेक्स्ट है हमारा टूलिप. ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा? टूलिप. तो टूलिप की स्पेलिंग क्या होती है, फिल करेंगे. टी लिखा हुआ है, देखिए हम लिखेंगे अब यू एल, आई लिखा हुआ है, हम फिल करेंगे टी, टूलिप. टूलिप की स्पेलिंग क्या होगी हमारी? टी यू एल आई पी, टूलिप. ओके, नेक्स्ट है हमारा, देखिए नेक्स्ट देखेंगे अब हम. नेक्स्ट क्या है हमारा? लीली. लीली की स्पेलिंग क्या होती है हमारी? एल लिखा हुआ है आपका, एल आई एल वाई, लीली. ओके, तो सही बच्चे फिल करिए अपनी बुक्स में लीली की स्पेलिंग. नेक्स्ट है हमारा रोज़. रोज़ की स्पेलिंग फिल करेंगे अब, आर ओ एस ई, रोज़. ओके, फिल कर लिया सभी ने. नेक्स्ट पे आते हैं हम. नेक्स्ट देखिए किसका डायग्राम है हमारा? मैरीगोल्ड. तो मैरीगोल्ड की स्पेलिंग क्या होती है हमारी? एम ए आर आई जी ओ एल डी, मैरीगोल्ड. सभी बच्चे क्या करेंगे, सही से प्रॉपर तरीके से इसे कॉलम में फिल करेंगे छोटा छोटा, ठीक है? मैं लिख रही हूँ तो मेरा बॉक्स से बाहर निकल जा रहा है, लेकिन आप क्या करेंगे, सभी अच्छे से कॉलम में फिल करेंगे उसको. ओके, नेक्स्ट है हमारा डेजी. डेजी की स्पेलिंग डी ए आई एस वाई, डेजी. ओके, सभी बच्चे सुंदर सुंदर कॉलम में फिल करेंगे अच्छे से. नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट का देखते हैं आप. नेक्स्ट है हमारा सनफ्लावर. सनफ्लावर की स्पेलिंग क्या होती है हमारी? एस यू एन एफ एल ओ डब्लू ई आर, सनफ्लावर. ओके, तो सभी बच्चे हैंड टू हैंड फिल करेंगे बुक्स अपनी. नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 9. चैप्टर नंबर 9 क्या है, नाम क्या है हमारे चैप्टर नंबर 9 का? डोमेस्टिक एनिमल्स, ठीक है? डोमेस्टिक एनिमल्स मतलब जो पालतू पशु होते हैं, जिसको हम घर में पाल सकते हैं. ओके, ये पालतू पशु होते हैं हमारे. ओके, जैसे कि हम पढ़ने स्टार्ट करते हैं. वी सी मैनी एनिमल अराउंड अस. क्या है? हमने अपने चारों तरफ, अपने आसपास नियर बाय में भी देखा होगा. सम ऑफ देम आर कैप्ड एज अ पेट्स इन हाउस और इन फार्म. क्या, जो हमारे पेट्स होते हैं, जो पालतू पशु होते हैं, इनको हम घर में भी रखते हैं और फार्म में भी रखते हैं. ओके,
दे आर नाउ अज डोमेस्टिक एनिमल्स, तो इनको किस नाम से जाना जाता है, डोमेस्टिक एनिमल्स की, ओके मतलब पालतू पशु के नाम से। दे आर यूजफुल टू अस, ये बहुत ही यूजफुल होते हैं, ओके जैसे कि पहले पढ़ते हैं अब हम मैच, मैचिंग करनी है हमें, मैच द पिक्चर ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल विद इट्स नेम। आपको क्या किया है, पिक्चर भी दिया हुआ है और उनके नेम दिए हुए हैं, ठीक है, आपको इनसे क्या करना है, मैच करना है और इनके बारे में लिखा भी हुआ है, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे और फिर इनसे मैच करेंगे इनके नामों को, ओके। देखिए फर्स्ट पे क्या है, आई कैरी हैवी लोड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन डेजर्ट। क्या है, क्या बता रहे हैं, मैं हूँ जो एक बहुत ही भारी हैवी, मतलब बहुत ही भारी वजन लेकर एक जगह से दूसरे जगह सामान को ले जाता हूँ, ठीक है। डेजर्ट में क्या होता है हमारा, रेगिस्तान। तो बताइए ये कौन है पिक्चर में, कैमल, तो आप मिलाइए सभी इसको कैमल से, मिलाइए फर्स्ट वाले पिक्चर को कैमल से मिलाइए सभी। नेक्स्ट है हमारा सेकंड पे देखेंगे, आई एम मैंस बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, क्या है, मैं जो ह्यूमंस होते हैं मतलब मानव जो होते हैं उनके बहुत ही अच्छा फ्रेंड हूँ। ये कौन कह रहा है, डॉगी कह रहा है, ठीक है। तो डॉगी आपको देखिए पिक्चर में पता चल रहा है कि डॉग है, तो डॉग को मैच करिए, सेकंड वाले को सी से मैच करिए सभी, सेकंड वाले को सभी बच्चे सी से मैच करेंगे। नेक्स्ट है हमारा थर्ड में देखिए किसकी पिक्चर है, शिप की पिक्चर है। इसमें क्या लिखा हुआ है हमारा, आई गिव यू वूल दैट कीप यू वार्म इन विंटर। क्या है, कह रहे हैं कि जो भेड़ है वो कह रहा है कि मैं क्या करता हूँ, ऊन देता हूँ जिससे कि मैं क्या है सर्दी में हूँ, मेरे बॉडी है इनको गर्म रखती है, ओके। तो पिक्चर में थर्ड पिक्चर में क्या है हमारी, सिप है, सिप को मैच करिए ई वाले पॉइंट से, ई वाले पॉइंट से सिप को मैच करिए सभी। नेक्स्ट है हमारा फोर पर देखिए क्या है हमारा, काउ बना हुआ है फोर पर, काउ मीन्स क्या है हमारी, गाय, ठीक है। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं काउ के बारे में, आई गिव्स यू मिल्क दैट मेक्स यू हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग। क्या है, मैं मिल्क मतलब मैं दूध देती हूँ और इससे क्या होता है, बहुत सभी हेल्थी और स्ट्रांग रहते हैं, मतलब स्वस्थ और मजबूत रहते हैं, ओके। तो देखिए फोर्थ पिक्चर में क्या है, काओ है आपका, तो इसको काओ को मैच करिए काओ से, फोर वाले को डी से मैच करेंगे सभी, ओके कर लिया मैच। तो नेक्स्ट है हमारा हॉर्स, हॉर्स के बारे में पढ़ेंगे अब, हॉर्स मीन्स क्या होता है, घोड़ा, ठीक है। आई एम यूज फॉर राइडिंग एंड ट्रांसपोर्ट। क्या है, घोड़ा कह रहा है कि मैं राइडिंग के लिए यूज़ किया जाता हूँ, उपयोग किया जाता हूँ और समय और ट्रांसपोर्ट के लिए, इधर से उधर जाने आने के लिए, ओके। तो मैच करिए, हॉर्स कहाँ लिखा है आपका, ए पॉइंट पर लिखा है हॉर्स, हॉर्स को मैच करिए ए वाले पॉइंट से, सभी बच्चे हॉर्स को ए वाले पॉइंट से मैच करेंगे, मैच करिए सभी बच्चे हॉर्स को ए वाले पॉइंट से, ओके कर लिया। नेक्स्ट पे अब हम रीड आउट करते हैं, देखिए यहाँ पर पढ़ेंगे अब हम, गॉड्स एंड शिप डू नॉट हैव टीथ ऑन देयर अपर जो। ठीक है, अपर जो के मतलब क्या है, जो हमारी बकरी और भेड़ होते हैं इनके जो क्या है ऊपर के दांत नहीं होते हैं, सभी ने देखा होगा, जिसने नहीं देखा होगा देखना अगर आपके आसपास में होगा नियर बाय में तो, ठीक है, किसके जो बकरी और भेड़ होते हैं उनके ऊपर वाले दांत नहीं होते हैं, ओके। हॉर्सेस कैन स्लिप इवन व्हील स्टैंडिंग, और जो क्या है हमारा घोड़ा होता है वो खड़े खड़े ही सोता है, खड़े होकर वो सो सकता है, ओके।
हॉर्सेस मतलब जो घोड़ा होता है वो खड़े ही खड़े सो सकता है। आपने कभी सुना है कि जो हमारा घोड़ा होता है कभी खड़े खड़े सोता है? चैप्टर में सीखा ना आपने इस चैप्टर में नई सी चीज कि जो घोड़ा है हमारा खड़े होकर सो सकता है। नेक्स्ट है हमारा कैमल आर कॉल्ड सीप ऑफ द डेजर्ट। जो कैमल है उसको रेगिस्तान का क्या कहा जाता है? जहाज कहा जाता है। ठीक है, जो हमारा ऊंट है उसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ओके, तो आप ये दोनों चैप्टर अच्छे से फिल करेंगे, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9। ठीक है, सभी बच्चे अच्छे से फिल करेंगे। ओके, समझ आया सभी को? थैंक यू।